हरियाणा में पूर्व में मंत्री और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा को अपनी खुद की ही टिकट कटने का खतरा सता रहा है। शर्मा महेंद्रगढ़ सीट से मजबूत दावेदार होने के बावजूद पार्टी ने इस सीट पर पहले लिस्ट में घोषणा की बजाय होल्ड कर दी। रामविलास शर्मा की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी कर जानकारी दी गई कि 6 सितंबर को दोपहर 12 बजे जयराम सदन महाराणा प्रताप चौक पर रामविलास शर्मा आगामी चुनाव के लिए अपने सभी कार्यकर्ताओं के सदस्यों के साथ जरूरी बैठक लेंगे। बता दें कि रामविलास शर्मा हरियाणा बीजेपी के सीनियर नेताओं में से एक हैं। पार्टी के बुरे दौर में भी शर्मा 4 बार विधायक चुने गए। उसके साथ ही पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को 67 प्रत्याशियों की सूची में अंबाला कैंट सीट से टिकट मिल चुकी है, लेकिन रामविलास शर्मा का इस सूची में नाम नहीं है। 2 बार प्रदेशाध्यक्ष, 5 बार विधायक बने महेंद्रगढ़ सीट पर इस बार बदलाव की चर्चा ज्यादा है। यहां रामविलास शर्मा के अलावा पार्टी के दूसरे नेता देवेंद्र यादव, कंवर सिंह यादव, मनीष राव तथा कुलदीप यादव का नाम भी चल रहा है, जिसके चलते रामविलास शर्मा को टिकट कटने का खतरा सता रहा है। रामविलास शर्मा 1991 और 2013 में 2 बार पार्टी के अध्यक्ष रहने के साथ 5 बार MLA भी बने हैं। 2014 में रामविलास शर्मा के पार्टी प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए ही बीजेपी ने पहली बार हरियाणा में अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। उस वक्त रामविलास शर्मा CM पद की रेस में सबसे आगे थे, लेकिन पार्टी ने उनकी दावेदारी को दरकिनार करते हुए मनोहर लाल खट्टर को CM बनाया। 2019 में चुनाव हार चुके शर्मा, हालांकि वह मनोहर सरकार में दूसरे सबसे पावरफुल मंत्री थे। 2019 के चुनाव में वह महेंद्रगढ़ सीट से कांग्रेस के नेता रावदान सिंह से हारे थे। रामविलास शर्मा की उम्र भी काफी हो चुकी है, ऐसे में वह इस बार खुद या बेटे गौतम के लिए टिकट की दावेदारी जता रहे हैं, लेकिन पार्टी किसी दूसरे चेहरे को टिकट देने पर विचार कर रही है। इसी संभावना के बीच टिकट की घोषणा से पहले रामविलास शर्मा ने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुला ली। महेंद्रगढ़ और नारनौल 2 सीटें होल्ड पर रखी हुई हैं। बीजेपी ने अभी महेंद्रगढ़ के अलावा नारनौल सीट होल्ड कर रखी है। नारनौल सीट पर पूर्व मंत्री ओम प्रकाश यादव दावेदार हैं। यादव केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के बहुत करीबी हैं। राव की सिफारिश पर उन्हें 2 बार चुनाव में न केवल टिकट मिले बल्कि मंत्री भी बनाए गए। अहिरवाल बेल्ट की 11 सीटों पर राव इंद्रजीत सिंह बनाव NT राव ग्रुप के टिकटों को लेकर काफी गहमा गहमी रही है। महेंद्रगढ़ में रामविलास शर्मा के नाम पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को भी कोई आपत्ति नहीं है। बावजूद इसके इस सीट पर पार्टी की तरफ से प्रत्याशी की घोषणा नहीं होना किसी बड़े फैसले की तरफ इशारा कर रही है। महेंद्रगढ़ जिले की अटेली विधानसभा सीट पर पार्टी केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को टिकट दे चुकी है, जबकि नांगल चौधरी से राव के विरोधी कहे जाने वाले नायब सैनी सरकार में राज्य मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव को 3री बार चुनाव में उतारा गया है। अब इस खबर के बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि महेंद्रगढ़ की सीट जो है भाजपा किसको दे ताकि जीत हासिल कर सके, और रामविलास शर्मा के बारे में आपका क्या ख्याल है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और देखते रहें इंडिया न्यूज 16। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16, जहां जाए सच के साथ।